नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैथ्यू वेड और ग्लेन मैक्सवेल के अर्धशतकों के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 186 रन बोर्ड पर लगाए। टीम इंडिया को जीत के लिए 187 रनों का टारगेट दिया था। आपको बता दें, मैथ्यू वेड ने एक बार फिर शानदार पारी खेली और पहले स्टीवन स्मिथ और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल के साथ शानदार पार्टनरशिप की। ग्लेन मैक्सवेल ने भी 36 गेंदों पर 54 रनों की शानदार पारी खेली। आपको बता दें, इस मैच के दौरान टीम इंडिया की फील्डिंग बेहद खराब नजर आई, यहां तक कि ग्लेन मैक्सवेल के ही 3 कैच ड्रॉप हुए। लेकिन पारी के 14वें ओवर में संजू सैमसन ने एक शानदार फील्डिंग का भी नजारा पेश किया। जी हां, पारी का 14वां ओवर लेकर शार्दुल ठाकुर आए थे और उनकी दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने एक सीधा शॉट खेल दिया। गेंद को ग्लेन मैक्सवेल ने काफी शानदार अंदाज में टाइम किया था और उन्हें भी लग गया था कि ये गेंद छक्का है, क्योंकि वो दौड़ नहीं रहे थे। बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे संजू सैमसन ने एक हैरतअंगेज कारनामा करते हुए हवा में उड़ते हुए गेंद को पहले लपका और उसके बाद बाउंड्री के बाहर पूरी तरीके से जा चुके संजू सैमसन ने हवा में ही गेंद को अंदर धकेल दिया। ये इतना हैरान कर देने वाला था कि अंपायर ने भी इसे कई बार रीप्ले में देखा। बाद में साफ नजर आया कि जमीन को छूने से पहले संजू सैमसन ने गेंद को वापस बाउंड्री लाइन के अंदर भेज दिया था। साफ तौर पर था उन्होंने 4 रन टीम के लिए बचा लिए थे। एक सीधा शॉट जो छक्के के लिए जा रहा था, उसे संजू सैमसन ने अपनी शानदार कलाबाजी और फील्डिंग से वापस सिर्फ 2 रन में बदल दिया। आपको बता दें, मैथ्यू वेड और ग्लेन मैक्सवेल के बीच 90 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई। आपको बता दें, टीम इंडिया सीरीज पहले ही जीत चुकी है। तीसरा T20 मैच जीतकर टीम इंडिया 3-0 से क्लीन स्वीप करना जरूर चाहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।